नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के वेरका बाईपास के नजदीक एक निजी कंपनी की बस ने BRTS प्रोजेक्ट के गार्ड को कुचला, गार्ड गंभीर रूप से घायल। फरीदकोट में रोटरी क्लब एसोसिएशन और फरीदकोट साइकिलिंग ग्रुप ने संयुक्त रूप से निकाली साइकिल रैली, डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट ने लिया भाग। जालंधर में रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट और दैनिक सवेरा की ओर से वॉकाथॉन का किया गया आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने हरी झंडी दिखा किया रवाना। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब सरकार द्वारा BRTS प्रोजेक्ट इस कारण मनाया गया था कि ताकि स्कूल के बच्चों और लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन BRTS प्रोजेक्ट में अक्सर ही बड़े हादसे होते रहते हैं। गत दिनों इस प्रोजेक्ट की चपेट में आने के कारण एक लड़की की मौत भी हो गई थी। तो वहीं अब वेरका बाईपास के नजदीक BRTS के पुल से नीचे उतरते हुए एक निजी कंपनी की बस अनियंत्रित हो गई, जिस कारण उसने BRTS के गार्ड को कुचल दिया, जिस कारण गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस घटना में तीन और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गार्ड को उपचार हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। BRTS जी लेन है, वो एक रॉबिन वाले की बस सी, बड़ी अचानक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके नाल जिहड़ा वा कि एक बंदा जिहड़ा उत्थे गार्ड खड़ा सी, वो इंजर्ड हो गया। तो बस का भी बस के नाल एक गड्डी का भी नुकसान है। वो जो भी बयान देंगे उसके मुताबिक असीं कार्रवाई करांगे। किन्ने बंदे टोटल इंजर्ड होए ने? और फिलहाल तो साढ़े नोटिस एक बंदा इंजर्ड होया वा, बाकी फर्दर जो भी पता लगेगा उसके मुताबिक करांगे। फरीदकोट के दरबार गंज रेस्ट हाउस से होटल शाही हवेली तक रोटरी क्लब एसोसिएशन और फरीदकोट साइकिलिंग ग्रुप की ओर से संयुक्त रूप से लोगों को ग्रीन दिवाली मनाने का संदेश देने हेतु एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली को पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला प्रधान अशोक सच्चर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में फरीदकोट की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रूही दुख के अलावा बच्चे, नौजवान लड़के व लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यह रैली फरीदकोट शहर से होते हुए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय कर होटल शाही हवेली पहुंची। वहां पर होटल के मालिक प्रवीण सच्चर और अर्श सच्चर की ओर से साइकिल रैली में भाग लेने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। वहीं इस मौके पर डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह, डॉक्टर विमल गर्ग, जसबीर सिंह जस्सी, आरिश सच्चर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बड़ा इनिशिएटिव है जी फरीदकोट साइकिलिंग ग्रुप वालों। बहुत खुशी की गल है कि साढ़े रोटरी क्लब की एसोसिएशन नाल फरीदकोट साइकिलिंग ग्रुप ने यह साइकिलिंग रैली आयोजित की है, जो कि दिवाली के मौके पर ग्रीन दिवाली का संदेश दिंदी है कि आपां अपनी सेहत को बचाने लिए तो पोल्यूशन बचाने लिए वातावरण स्वच्छ रखने लिए साइकिलिंग का प्रचार करना चाहिए, जिस नाल आपां फिट एंड फाइन रहेंगे, अपनी सेहत भी फिट रहेगी, अपना आला दुआला वातावरण वो भी बहुत साफ सुथरा रहेगा। रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट और दैनिक सवेरा की ओर से वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। यह वॉकाथॉन 24 अक्टूबर को मनाए जा रहे वर्ल्ड पोलियो डे को समर्पित थी। इसके साथ ही इसका उद्देश्य जालंधर वासियों को वॉक फॉर हेल्थ और ट्रैफिक नियमों का पालन करने संबंधी जागरूक करना था। इस वॉकाथॉन में रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट के सदस्यों के अलावा अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में पर्यावरण की सुरक्षा और स्वस्थ बनाने के संदेश वाले पोस्टर और तख्तियां पकड़कर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच और विधायक रमन अरोड़ा ने मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होकर इस वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट के प्रधान रोटेरियन इंजीनियर दर्शन सिंह, न्यू रूबी अस्पताल की MD कम PGD रोटेरियन डॉक्टर SPS ग्रोवर को इस वॉकाथॉन के आयोजन पर शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस वॉकाथॉन को सफल बनाने में इनर व्हील क्लब ऑफ जालंधर वेस्ट, इनर व्हील क्लब जालंधर इलीट, रोटरी क्लब ऑफ हेल्पिंग हैंड्स, RMB क्लब और KSG मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्यों का अहम योगदान रहा। इस दौरान क्लब प्रेसिडेंट रेशम कौर को
समाज सेवा के क्षेत्र में डाले जा रहे अभूतपूर्व योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर पल्स पोलियो ड्राइव के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर पवन गुप्ता, आईपीपी रोटेरियन मनदीप जुनेजा, रोटेरियन पीएस बिंद्रा, प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन डीएस विरदी, प्रोजेक्ट को चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर पूजा कपूर, डॉक्टर जशनीव कपूर, रोटेरियन नीलम, प्रेसिडेंट मनीषा सिक्का, रेशम कौर, गुनिंदर कौर, डॉक्टर एच एस पॉल, डॉक्टर पी आर चौधरी, टीपीएस बजाज, तरसेम सिंह, जगदीश कटारिया, जोगेंद्र सिंह, हरविंदरजीत कौर ग्रोवर, डॉक्टर हरनीत कौर ग्रोवर, एस एस जुनेजा, सौरभ शर्मा, सुरेंद्र सैनी सहित बड़ी संख्या में क्लब मेंबर्स व स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। वाहिगुरु ने जो सानू जिंदगी दिती है असि उन्हें पूरी शिद्दत नाल निभा रहे हैं, पूरी मेहनत करके। और अज संडे वाले दिन भी जो अज आर एम पी ने और दैनिक सवेरा ने और रोटरी क्लब ने एक बड़ा वधिया उपराला किया कि लोगों को मोटिवेट किया जाए। सारे जलंधरियां नू, सारे जलंधर वासियां नू असि ये मैसेज देना है कि रोज सवेरे सैर करो, थोड़े 7 बजे नहीं 5 बजे करो, एक्सरसाइज बहुत वधिया। हाँ, डॉक्टर पवन गुप्ता साढ़े विच आ रहे ने, ये साढ़े डिस्ट्रिक्ट पोलियो इंचार्ज ने, ही इज चेयरमैन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट पोलियो 3070। तो तुहाडा भी बहुत स्वागत है। अज बड़ा साढ़े लिए खुशकिस्मत वाला दिन है, बड़ा सुभागा दिन है कि साढ़े सारे क्लब रोटरी इनर भी रोटरी हेल्पिंग है रोटरी वेस्ट असी सारे इकट्ठे होके अज का वाकथन कर रहे हैं। अज बड़ा स्पैशल डे सी साडा पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे, उहदे लई भी असी इस वाकथन का आयोजन किया है। मैं सारे दा इत्थे आया दा बहुत ही धन्यवाद करदा जी आया कहिंदा, स्पैशली साडे अज दे गेस्ट शीतल वीर जी, श्री रतन अरोड़ा MLA जी, सुभाष जी, सैनी साहब, मनाज साहब, बाकी सारे जिन्हें भी साडे मित्र दोस्त रिश्तेदार आए सारिया नू बहुत बहुत जी आया नू। जागरूक दिवस दी मैं तो कहना जागरूक दिवस दी तुहानू सारिया नू बहुत बहुत बधाई। जो अज एक ग्रीन दिवाली का संदेश सारे रोटरी क्लब ने दिता, जो ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मैं इन्हों बहुत बहुत बधाई देना। और मैं चाहना ये समाज की जो ये सेवा कर रहे वो सरकारां दा काम है जो ये काम कर रहे हैं। और साढ़े प्रमुखी साढ़े जलंधर शहर की पंजाब की शान दैनिक सवेरा तो शीतल वीर जी जो सानू हमेशा मार्गदर्शन देंगे, असं उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई देना और सारे रोटरी क्लब के मैंबर ने बहुत बहुत बधाई देना। सारे जोड़ा रिटर्न पोलियो डे से आयोजन किया जा रहा है, सारे तिना क्लबों बहुत बहुत बधाई देना और बड़ा नोबल कम है जरा कर जा रहे हैं। साढ़े इलाके बहुत ही सूझवान से नौजवान MLA रमन अरोड़ा जी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। अरे हमेशा इस तरह के नोबल कमाए सब तो पहला हाथ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मैं इन्होंने इतने आने के बहुत धन्यवाद करता है। और इन्हों की अगुवाई के यात्रा शहर के मैराथन दौड़ निकल रही है, सारे बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह के काम हमेशा करते रहना, मैं ही अरदास करता MLA साहब ने लंबी आयु दे और इस तरह समाज की सेवा।
गत दिनों मंत्रिमंडल की हुई मीटिंग में फैसला लिया गया है कि पीएसपीसीएल पंजाब में नौकरी करते मृतक कर्मचारी के परिवार को आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ व सभी कैबिनेट की ओर से तरस के आधार पर रहते वर्ष 2004 से पहले और बाद में रहते 2010 केसों का निपटारा करते हुए तरस के आधार पर नौकरी का संवैधानिक हक दिया गया है, जिसके चलते संघर्ष कमेटी की ओर से जंडियाला गुरु में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का मुंह मीठा करवाकर आभार व्यक्त किया गया है। इस मौके पर संघर्ष कमेटी के पंजाब प्रधान बलजीत सिंह पट्टी, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह, मनिंदर सिंह मणि और अन्य साथियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जो असं समूह मेंबर इकट्ठे हुए हैं, मृतक आश्रित संघर्ष कमेटी पंजाब वालों इकट्ठे हैं, बिजली बोर्ड वालों, साडी लड़ाई सरकारों नाल बहुत देर चल रही, 20 साल चल रही है। असं अज धन्यवाद कर रहे अपने मंत्री साहब हरभजन सिंह ईटीओ साहब का, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का, केजरीवाल सरकार का, जिन्हें साढ़े बहुत चिर की जो हक सरकार दबे हुए थे, अज्ज सरकार तकरीबन 7 महीने में सानू हक साढ़े वापस दिए जा रहे हैं। जो बिजली बोर्ड डेथ केस के आधार पर नौकरियां मिलदियां सी, किसी ना किसी कारण पॉलिसी बना के कैप्टन सरकार वालों बंद कीतियां गईयां सी, वो चीज़ जो असीं बहुत चिर का संताप बढ़ा रहे हैं, अज्ज इस सरकार के आने के नाल सानू अपने हक मिले ने, असीं उस विषय से लैके अज्ज अपने मंत्री साहब का धन्यवाद करन पहुंचे हैं। पर वो जो 2002-04 तो लेके 10 तक के केस सीगे वो अड़े पए सीगे, बड़े लंबे समय तो बड़ा संघर्ष किया इन्होंने, भाई 20 साल हो गए ने, मतलब चार सरकार उस वेले दियां निकल गईयां, तो सानू लग्या कि बड़ी जैनुअन डिमांड आ ये, मतलब हर हीले पूरी होनी चाहिए है। सो असी उहदे ते कोई काम करना शुरू किया, 6100 बंदे सीगे जिहड़े इस तरह दे सीगे, उहनां दे विचों कुछ ने लमसम पैसे लए सीगे, कुछ 280 ते ओह सीगे जिन्हां ने वो पैसे भी नहीं लए सीगे। सो 5-6 महीने असी इहदे ते काम किया, वैसे ये जिहड़ी मृतक आश्रित कमेटियां बनियां, यूनियनां बनियां, इन्हां ने भी साडा बहुत साथ दित्ता। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक सत्संग एवं हवन यज्ञ आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें हरविंदर सिंह सचदेवा और रजनी सचदेवा ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर पवित्र पावन वेद मंत्रों से यज्ञ में आहुतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुशील आर्य ने यज्ञ संपन्न करवाया। इस दौरान आर्य समाज की प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर आचार्य सुशील आर्य ने मुख्य वक्ता के रूप में हाजिरी लगवाई। इस अवसर पर भूपेंद्र उपाध्याय, अनु आर्य, नलिनी उपाध्याय, चौधरी हरिचंद, सुनीता भाटिया, वेद प्रकाश भाटिया, विजय चावला, अनिल कोहली सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दीपावली वाले दिन ही ऋषि को कहते कि सभी दीपक जल रहे थे, उस समय भी आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही कि गुरुदत्त जो एक धार्मिक नहीं था, वो मानता ही था कि धर्म है कुछ, जब उसने देखा कि ऋषि दयानंद ने कहा सभी के दरवाजे खोल दो, मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार 17 बार जहर दिया गया,
कहते ना फूट फूट के हर एक नस से शीशा ऊपर आया। किस प्रकार कवि ने बातें लिखी हैं, कवि तो मेरे सामने बैठे हैं, हमारे सामने कवि जी बैठे हैं। राम मंच कला केंद्र एवं फ्रेंड्स दशहरा कमेटी की ओर से श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन जालंधर में भरत मिलाप एवं राज्य तिलक का मंचन किया गया, जिसमें आए हुए कलाकारों ने भरत मिलाप और राज्य तिलक का सुंदर मंचन कर उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान राम की भूमिका संदीप कुमार, लक्ष्मण की भूमिका यश, भरत की भूमिका गौरव, शत्रुघ्न की भूमिका सनी, माता सीता की भूमिका मांशु और हनुमान जी की भूमिका बॉबी ने निभाई। इस मौके पर राम मंच कला केंद्र के सरपरस्त कृपाल पाली, चेयरमैन विजय कुमार, प्रधान अश्विनी कुमार, जनरल सचिव सुधीर चौहान, कोषाध्यक्ष एवं संचालक सुनील दत्त और फ्रेंड्स दशहरा कमेटी के प्रधान मिंटू जुनेजा, राकेश कनौजिया भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज फ्रेंड्स दशहरा कमेटी की ओर से राज तिलक भरत मिलाप का आयोजन किया गया। फ्रेंड दशहरा कमेटी के प्रधान श्री मिंटू जुनेजा जी, मैं राकेश कनौजिया चेयरमैन फ्रेंड दशहरा कमेटी, कैशियर सोनू बदराजा जी, बलजिंदर पोपी जी, पप्पू जी, शशि भगत जी, सारे मित्रगण, सारे दोस्त, जतिंदर सिंह चावला जी, गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेस वन में आज भरत मिलाप का प्रोग्राम रखा गया था। रामचंद्र महाराज जी का राज्य तिलक शेक करना था, वो किया है। ये दशहरा फ्रेंड दशहरा कमेटी वालों एक बार दशहरा सी और उस बाद राज तिलक का, क्योंकि परसों दिवाली है जो भगवान श्री राम वर अपने घर वापस आए थे तो लोगों ने दिवाली मनाई थी। आज 14 साल बाद अयोध्या वापस आए ने और इस मौके पर सारे बहुत लख लख बधाई। एक बारी मैं फिर सारे का धन्यवाद करता, सारे उन्होंने दोस्तों का, उन्होंने मैंबर साहबाना का, जिन्होंने एक दिन तो पहले दिन तो चाहे वह रामलीला के रूप में, चाहे वह दशहरे के रूप में, एक एक पल जिन्हें ला के इस आयोजन को कामयाब किया है। पंडित ललित कुमार कपिल, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया था, उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में आयोजित की गई, जिसमें पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय पंडित ललित कुमार की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक सुशील रिंकू, अनिल सच्चर, अजय जोशी, सुनील गुंबर, गुरविंदर सिंह बंटी, नीलकंठ सहित पारिवारिक सदस्यों में मीनू कपिल, जतिन, टिंकू पंडित, रमन महक, कैलाश रानी, रेणु कालिया, कुसुम, शिवम अवस्थी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय पंडित ललित कुमार कपिल को श्रद्धा सुमन भेंट किए। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के वेरका बाईपास के नजदीक एक निजी कंपनी की बस ने BRTS प्रोजेक्ट के गार्ड को कुचला, गार्ड गंभीर रूप से घायल। फरीदकोट में रोटरी क्लब एसोसिएशन और फरीदकोट साइकिलिंग ग्रुप ने संयुक्त रूप से निकाली साइकिल रैली, डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट ने लिया भाग। जालंधर में रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट और दैनिक सवेरा की ओर से वॉकाथॉन का किया गया आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने हरी झंडी दिखा किया रवाना। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।